हल्द्वानी शहर में पॉटरी स्टूडियो खुल चुका है, जहां बच्चों को मिट्टी के बारे में जानकारी दी जा रही है। आधुनिक जमाने के बच्चों की दिनचर्या पुराने जमाने के मुकाबले एकदम उलट है। जहां पहले समय में बच्चे मिट्टी में लोटपोट होकर मैदानों में छलांग मारते थे, वहीं आज के समय में बच्चे घरों में कैद होकर सिर्फ मोबाइल और टीवी को निहारते रहते हैं। यह सच्चाई भी है। दिनचर्या को बदलने के लिए काम कर रहे हैं हल्द्वानी के विनय अस्थाना। 10 साल से हल्द्वानी में नौकरी कर रहे विनय अस्थाना आज के दौर में बच्चों को मिट्टी के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं और मोबाइल से दूर करने के लिए उन्हें प्रेरित भी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बेहद अभिनव तरीका भी खोजा है। विनय अस्थाना पॉटरी स्टूडियो से बच्चों को जोड़ रहे हैं। जी हाँ, इनकी मदद से आप बच्चों को बेहतर जानकारी भी दे सकते हैं। विनय अस्थाना ने बताया कि आधुनिक जमाने में बच्चों की डेली लाइफ देखकर हमेशा इस ओर काम करने का मन था। बहरहाल कंपनी के माध्यम से विनय ने कई स्कूलों में बच्चों को विभिन्न विषयों की शिक्षा भी दी है। हमेशा से बच्चों को मिट्टी से जोड़ने की उनकी सोच है। उनका कहना है कि बचपन में हमारी पीढ़ी त्योहारों पर खुद से तरह तरह की चीजें बनाती थी। गौरतलब है कि पुराने जमाने में दीपावली पर खुद झालर बनाकर घरों को सजाया जाता था। इसके अलावा भी बच्चे पहले के दौर पर मिट्टी से जुड़े खेल सड़कों पर जाकर खेलते थे, लेकिन आज के जमाने में बच्चे घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, जिसे माँ बाप का अपने आप में व्यस्त रहना भी एक बड़ा कारण है। बच्चों को अपनी संस्कृति की तरफ खींचने के लिए विनय ने पॉटरी स्टूडियो का जरिया खोजा है। अब वह बच्चों को मिट्टी की जानकारी दे रहे हैं और पॉटरी स्टूडियो में मिट्टी के कप, मग्स, ये सब बनाना वहाँ बच्चों को सिखा रहे हैं। आगे सुनते हैं विनय क्या कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं विनय अस्थाना हूँ, पॉटरी स्टूडियो का संस्थापक हूँ और ये आइडिया लगभग 2 साल पुराना है। कोरोना के टाइम में स्टार्ट हुआ था, जिस समय बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम कर रहे थे, तो अपने बच्चे के लिए ही शुरू किया था। अब हमने इसका एक रिटेल का स्टोर भी खोला है, जिसमें बच्चे आके मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं। हो क्या रहा है, बच्चों के पास घर में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, वो मोबाइल से इंगेज हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ उनका रुझान है और समय के साथ जितना मिट्टी से हम लोगों का जुड़ाव था, अब की नई पीढ़ी में वो चीज़ नहीं है। तो मैंने कोशिश करी है कि अपनी नई पीढ़ी को इस तरह से जुड़ाव दूं, जिसमें वो बर्तन भी बनाएं, एक उनका क्वालिटी टाइम यहाँ पे हो और वो एक स्किल भी सीखें। नई एजुकेशन पॉलिसी में भी ये चीज़ें, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ें इंक्लूड करी हैं स्किल बेस में। यहाँ बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, एडल्ट आ रहे हैं, जैसे ये कप हो गया, ये हमने बच्चों को यहाँ आ रहे हैं 1 से 1.5 घंटे का समय वो व्यतीत करते हैं, उसमें उन्होंने कप बनाए, काफ़ी सारे एनिमल हो गए, इस तरह का एनिमल बनाया। पिंचिंग के बाद ये कॉइलिंग टेक्निक से बनाया है बच्चों ने, ये ज्वेलरी बॉक्स है, इस तरह की टाइल बना रहे हैं बच्चे, स्लैब टेक्निक का यूज़ करके उन्होंने टाइल बनाया है। या ये मास्क हो गया है, अभी भी जो बिटिया बैठी है वो मास्क बना रही है, ये देखिए इस तरह से बच्चों ने मास्क बनाया। इसके साथ ये बच्चों की क्रिएटिविटी है, अपने आप में ये एक तरह से योग से भी जोड़ता है, हमारे आइज़ का, हाथ का, दिमाग का एक कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होता है, जिससे बच्चों की एकाग्रता भी बढ़ती है। और ये नई पीढ़ी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो एकाग्रता की है, वो बहुत एकाग्र नहीं है, जैसे कोई चीज़ मिली 2 मिनट में उनका मन उचट जाता है उससे। तो इस पहल से हमने बच्चों को कोशिश करी कि एक ऐसा जगह प्रोवाइड करें जहाँ वो कुछ लर्न भी करें। ये लालडाट रोड पे हमारा है, मैट्रिक्स हॉस्पिटल के बगल में, पॉटरी स्टूडियो के नाम से। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे इसके थ्रू आ सकते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से न्यूज 18 लोकल के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।